हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि जो उनका बाथरूम में जो ये वाटर हीटर लगा है और ये वाटर हीटर का जगह में सोलर को कनेक्शन देना है और ये वाटर हीटर नहीं चलाना है और ये सोलर में से पानी चलाना है, वो कैसे कनेक्शन करना, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा पहले ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए ये जो वाटर हीटर है उसको कैसे सोलर का साथ कनेक्शन करेंगे जिसके वजह से वॉल मिक्सचर में हॉट वाटर आएगा, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए ये जो वाटर हीटर है, वाटर हीटर लगा है और इनका बाथरूम में तीन पॉइंट है और दो में ये सोलर है और ये कोल्ड लाइन गीजर को पानी जाने के लिए, देखिए ये पाइप के जरिए में गीजर का इनलेट पाइप है और ये गीजर से आउटलेट पाइप है, यहाँ हॉट वाटर का ये आउटलेट पाइप यहाँ से आ रहा है। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है यहाँ पे स्टॉप कॉक नहीं है, डायरेक्ट एक हेक्सेपल नेपल में लगा हुआ है जिसकी वजह से ये पानी सीधा से नीचे आके वॉल मिक्सर को आता है, वॉल मिक्सर को लेफ्ट साइड में ये जो साइड में पानी आता है। फ्रेंड्स, अभी अगर आपको सोलर ही चाहिए, सोलर का कनेक्शन देना है, फ्रेंड्स ये स्टॉप कॉक को पहले बंद कर देना है। जो कोल्ड वाटर गीजर को जाता है पहले आपको पता करना है इसे तीनों में से कोल्ड कौन सा है, हॉट कौन सा है और ये सोलर का कौन सा है, कोल्ड वाटर कौन सा है और आउटलेट कौन सा है। पहले आपको आउटलेट तो डायरेक्ट ही रहता है और जो सोलर का है उसको एक स्टॉप कॉक है और जो कोल्ड लाइन है उसको भी एक स्टॉप कॉक है। पहले स्टॉप कॉक को बंद करना है और ये जो कोल्ड वाटर का पाइप को खोल देना है, पहले वॉल मिक्सर का लेफ्ट साइड को खोल देना है, थोड़ा सा पानी खाली हो जाएगा, अभी खाली हो गया। अब आपको ये कोल्ड वाटर का पाइप को खोल के ये जो कनेक्शन पाइप है, कनेक्शन पाइप को ऐसे खोल देना है और आपको सोलर का लाइन पे लगा देना है। इसको पाइप को थोड़ा घुमा के लेके सोलर में लगाना है। अभी ये सोलर में लग गया, अभी इसको ऑन करेंगे, अभी वॉल मिक्सर में पानी आना चालू हो गया, अभी वो सोलर से सीधा पानी आएगा, अभी ये पानी आना चालू हो गया, ये डायरेक्ट सोलर से पानी आके गीजर में भरेगा और गीजर का आउटलेट के जरिए में सीधा यहाँ पे आएगा। फिर से ये इजी ट्रिक है। अगर आप देखिए, अगर आप गीजर को ऑन करना है तो गीजर स्विच ऑन करें तो टैंक में पानी गर्म होता रहेगा, वो भी आएगा और ये सोलर में नॉर्मल पानी यहाँ आके हॉट वाटर भरेगा ताकि जो भी आप जब जिसी टाइम पे आप वॉल मिक्सर में पानी ऑन करोगे इमीडिएट आपको हॉट वाटर आएगा क्योंकि सोलर का पानी आके गीजर में स्टोरेज होता है और उस तुरंत हॉट वाटर आ जाएगा। तो इसीलिए सोलर का पानी गीजर को होके आउटलेट में आके वॉल मिक्सचर को आना। अगर आपको सोलर का पानी ठंडा आ रहा है, अगर मौसम में धूप नहीं है तो ठंडा आ रहा है तो गीजर ऑन करें तो भी गीजर का पानी आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये ट्रिक है। कोल्ड वाटर को सप्लाई नहीं देना है, कोल्ड वाटर बंद ही रहेगा और सिर्फ सोलर से ही कनेक्शन आपको लेना है, सोलर का पानी सीधा आके गीजर से होके आना। तो इसमें आप दो तरीका कनेक्ट कर सकते हैं, आप गीजर चाहे तो गीजर चला सकते हो, सोलर चाहे तो सोलर चला सकते हो। इसलिए आपको कोल्ड वाटर में सप्लाई नहीं दे रहा है, डायरेक्ट आपको सोलर में दे दीजिए। अगर कुछ सोलर का प्रॉब्लम आया समझो तो ये कनेक्शन पाइप को खोल के आप कोल्ड वाटर लगा दिए तो खाली गीजर काम करेगा, अगर आप ये सोलर में लगा दिया तो ये दोनों काम करेगा। इसी तरह का जो सोलर प्लस गीजर दोनों अटैच करके आपको वॉल मिक्सर में छोड़ सकते हैं। इसी बाथरूम में सिर्फ वॉल मिक्सर को ही हॉट वाटर का है, वॉश बेसिन में नहीं है, सिर्फ वॉल मिक्सर में है। फ्रेंड्स, इसी तरह
जब भी आपको किसी भी कस्टमर का घर में आपको सोलर प्लस गीजर दोनों कनेक्शन करना है तो आप सीधा ऐसे ही कनेक्शन करना है, ज़्यादा यहाँ कुछ लफड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी जगह में क्या करते हैं, यहाँ पे टी डाल के कोल्ड वाटर को गीजर के साथ कनेक्शन करके फिर आउटलेट प्लस सोलर दोनों को इधर कनेक्ट करते, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सोलर के साथ कनेक्शन कर दो, चाहे मौसम अच्छा हो नहीं हो तो भी आपको गीजर चालू कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन है, गीजर भी चालू कर सकते हैं, सोलर भी, गर्म पानी आएगा। कभी कभी क्या होता है, ऊपर टैंक से पानी आने तक 2-3 मिनट वेट करना पड़ता। अगर ये सोलर को गीजर को होके पानी आ जाता तो गीजर में हॉट वाटर स्टोरेज रहेगा, टैंक के अंदर स्टोरेज रहेगा, जिसकी वजह से आपको तुरंत मिल जाएगा कोल्ड हॉट वाटर। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज के लिए इतना ही है।